सुनिए ना, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, घंटी को भी टंटना दीजिएगा, ठीक है ना। बड़ों को राम राम, छोटों को सलाम। दिस इज प्रिया सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल नेम बिहारी बन्नी। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन आई एम गोइंग टू बी गेट वैक्सीनेटेड। सो दिस इज गोइंग टू बी अ व्लॉग। काफ़ी टाइम के बाद मैं एक व्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड, मैं व्लॉग तभी लाऊंगी जब मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करूंगी, और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इस लॉकडाउन में और क्या हो सकता है। वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना स्लॉट कैसे बुक किया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से स्लॉट बुक्स हो रहे हैं, खुद मेरा बहुत मुश्किल से हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप एकदम टाइमली अगर आपने वो किया जो मैंने किया था तो आपका भी स्लॉट बुकिंग हो जाएगा। एंड अगर आप बाहर जा रहे हो फॉर शॉपिंग एंड ऑल तो बिल्कुल मत जाना। नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ आप उस पर जाइए और बहुत सारे मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, आप उसे परचेज कर सकते हैं। और नहीं तो आपको जो खुद चाहिए वो भी आप वहाँ सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे मेरे फेवरेट है, यू गाइज आर गोना लव दैट। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक का लिंक है, उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो पहले मैं आपको बता दूँ कि आज जो मेरा जो वैक्सीनेशन सेंटर मुझे मिला है दैट इज़ एस के मेमोरियल हॉल, और जो गांधी मैदान के पास है, हाँ वही एसके मेमोरियल हॉल, क्लोजेस्ट सेंटर टू माय होम। लेकिन मुझे सबसे पहले वही मिल रहा था तो मैंने उसी पे एकदम फटाफट बुकिंग कर ली। सो गाइस क्या है ना, बहुत लोगों की कंप्लेन नहीं, बहुत लोग मुझसे बोल रहे हैं स्लॉट नहीं है एंड ऑल, खुद मैं भी कल तक यही बोल रही थी। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो एक तरीका है जो मैंने अप्लाई किया है एंड आई एम रियली श्योर कि आप लोग भी ये करोगे तो आप लोग का भी डेफिनेटली बुकिंग हो जाएगा। एक टेलीग्राम ग्रुप है, ओके, एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है U45 पटना, शायद यही नाम है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगी, उसको आप जाके ज्वाइन कर लो सबसे पहले तो, ठीक है। उस ग्रुप में क्या होता है कि आपको जैसे ही मतलब शाम में आपको मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे कि इस पिन कोड पे इतने सारे अवेलेबल है, इस पिन कोड पे 700 वैक्सीन अवेलेबल है, इस पिन कोड पे इतने अवेलेबल है। तो आप बस चेकआउट करते रहो क्योंकि आपका पिन कोड कब आता है, और जैसे ही आपका पिन कोड आए फटाक से आप कोविन पे जाओ। कोविन जो एप्लीकेशन है, जी हाँ, वैसे तो ये आरोग्य सेतु से भी हो सकता है, मैंने भी किया आरोग्य सेतु पे जाके, कोविन उसमें भी दिखता है आपको, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप है, वो अपने फोन में डाउनलोड करके तो रखा है ना आपने, दैट इज वेरी नेसेसरी अभी के टाइम में। तो वहां कोविन मिलेगा आपको, वहां पे आप लॉग इन होकर बैठे रहो, ओके, शाम के 7 बजे अप्रॉक्स उस पर मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये पिन कोड पे इतने अवेलेबल है, 700 स्लॉट, 200 स्लॉट, वो 500 स्लॉट, वो जैसा भी अवेलेबल है, फटाक से आपके जो सबसे नियरेस्ट वाला सेंटर मिले ना वो वाला पिन कोड डालो और रेडी रहो, ठीक है ना। क्या है, मैंने PWC तक जाने को मैं रेडी हो गई थी, पटना वुमेंस कॉलेज, जो कि एक्चुअली मेरे घर से बहुत दूर है, बट आई हैव थॉट कि भाई मुझे तो लेना है वैक्सीनेशन किसी कीमत पे। तो मैंने जब उसका कैप्चा डाला, आई थिंक 2 मिनट्स लगे होंगे, 2 मिनट नहीं, उससे भी कम लगता है यार कैप्चा डालने में, तो उतना बस मैंने किया और वो फुल बुक्ड हो गया था। तो आप इससे समझ सकते हो कि कितने लोग बैठे रहते हैं ऑलरेडी बुकिंग करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे मुझे सेंटर मिल रहे थे जो मेरे घर से बहुत दूर थे। तो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपको सेंटर लेना है तो अपने घर के पास वाला लेना, ज्यादा दूर लेके कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप टाइम पे वहां पहुंच ही नहीं पाओगे या फिर आपको आने जाने में प्रॉब्लम होगी। एंड मेक श्योर कि आपके अगल बगल में अगर कोई सेंटर है तो वो डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे पिन कोड्स आते हैं उस पर, ठीक है। खुद मैंने जब बुकिंग करवा ली एसके मेमोरियल हॉल की, उसके 2 मिनट के बाद मेरे खुद घर के पास वाला सेंटर वॉज अवेलेबल, बट इट्स ओके, जब मैंने बुकिंग करा ही ली तो ओके फाइन। और हाँ, ये जितने भी वैक्सीनेशन है ये सब जिनका डोज 1 है उनके लिए अवेलेबल है, डोज 2 के लिए अभी ना पे ही ना के बराबर अवेलेबल है। वैसे भी गाइस पहले तो डोज 1 तो ले लो, उसके बाद डोज 2 का सोचेंगे, वो आएगा जब आना होगा उसको। सो फाइनली इसके लिए करना क्या है, सेंटर पे जाने के लिए मैं देखो आधार कार्ड मैंने रेडी करके रखा है, इस पे मैं अभी रेफरेंस नंबर लिख लूंगी। जैसे ही आप बुकिंग करोगे, कैप्चा डालोगे, स्लॉट डालोगे, मेरा स्लॉट है 11 से 12 के बीच का, इससे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, डोंट वरी, मतलब आप अगर थोड़ा आगे पीछे भी जाओगे तो भी आपका हो जाएगा, ये मेरे एक फ्रेंड से मुझे पता चला है। एंड उस फ्रेंड ने मुझे बोला है कि तुम्हें मेरे अपने वीडियो में नाम ना पड़ेगा। सो अमन दत्त, माय चाइल्डहुड फ्रेंड, थैंक यू सो मच, तुम नहीं होते तो कैसे होता मेरा बुकिंग, थैंक यू यार, ऐसा दोस्त सबको मिले। सो उससे मेरी बहुत हेल्प की, ही टोल्ड मी कि भाई ऑनलाइन रहो, ऑनलाइन रहो, ऑनलाइन रहो, एकदम से लॉग इन रहना, बिल्कुल लॉग आउट मत होना, क्योंकि कोविन पे 50 बार तो आपको OTP ही मांगता है हर जगह, तो पहले प्लीज लॉग इन होकर बैठे रहो। ओके, सो आप जैसे ही बुक करोगे आपको तुरंत आपका रेफरेंस ID मिल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक मैसेज मिल जाएगा, और प्लीज किसी मेंबर को ऐड करने की कोशिश मत करना, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले अपनी बुकिंग करिए, मेंबर की बुकिंग आप मेंबर के फोन से कर लेना, ठीक है ना, उसके फोन नंबर से अलग बुकिंग करिए, ऐड मेंबर वाला कोशिश मत करिएगा, वरना आप फिर चक्कर में फंस जाओगे।
सो ये रहा आधार कार्ड, इस पे मैं अभी रेफरेंस कोड लिख लूंगी जो मुझे मिला है, और अपना मोबाइल नंबर मुझे लिखना है, इसका फोटोकॉपी आपको लेके जाना है, ठीक है। और ये मैंने अपना एक बैग रेडी रखा है, ये मैं लेके जा रही हूँ। इसमें मैं सैनिटाइजर वगैरह, थोड़े से पैसे का जरूरत पता नहीं पड़ेगा कि नहीं, लेकिन मैंने रख लिया। और अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी मैं लेके जा रही हूँ, पता नहीं कब कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाए। सो अभी तो फिलहाल ये है, और आई एम लिटिल बिट टेंस, बहुत टेंशन भी हो रही है क्योंकि सुई लगाना सुई से डर किसको नहीं लगता है। और बहुत से लोगों से मैंने पूछा, तो सुई लेने के बाद उनके थोड़े से हाथ में हैवीनेस हो रही थी, थोड़ा उन्हें फीवर हो रहा था, बट इट्स ऑल ओके, मैं सबके लिए रेडी हूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज। आप लोग नहीं ले हो अभी तक, तो प्लीज स्लॉट बुकिंग कर लो, जैसे मैं अभी पहन के जाऊंगी, बिकॉज यू नो देखो आसान है ना ऐसे करना, तो इस तरह का कुछ लूज पहन के जाओ या फिर स्लीवलेस पहन के जाओ, ठीक है। एंड बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, सो लेट्स सी कैसे जाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग जो है, जब मैं वहाँ पहुँचूंगी तो आपको वहाँ का सीन दिखा दूंगी कि एसके मेमोरियल हॉल जो है वो किस तरह से, आई थिंक उन्होंने अच्छी बंदोबस्त की होगी। एंड गाइज, आज इतना शूट करने के बाद डायरेक्ट मैं कल फिर शूट करके आपको बताऊंगी कि मुझे कैसा फील हो रहा है आफ्टर वैक्सीनेशन। तो ये जब व्लॉग आप तक पहुंचेगी, तब तक आपको फुल जानकारी, फुल अपडेट मिल जाएगा कि भाई आफ्टर वैक्सीनेशन कैसा फील होता है। सो बी रेडी फॉर दैट। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लो प्लीज, ओके। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, ओके ना। बीइंग अ यूट्यूबर मेरा फर्स्ट था कि मैं आप लोगों को अपडेट करूं और आप लोगों की हेल्प करूं, जिन लोगों को स्लॉट्स नहीं मिल रहे उन लोगों को बताऊं कि कैसे बुकिंग करना है। सो मैंने अपना फर्ज पूरा किया, आप लोग भी कर दो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि भाई बहुत हेल्पफुल हो सकती है उन लोगों के लिए जिन लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहा है, ओके। सो अब हम लोग मूव अहेड करेंगे। अब मैं जा रही हूँ, भरपेट खाना खा के जाना है एक, बिल्कुल एकदम। सो गाइस, मैंने डबल मास्क वेयर कर लिया और अब मैं रेडी हो गई हूँ अपने वैक्सीनेशन सेंटर जाने के लिए। सो हियर वी आर, एसके मेमोरियल हॉल, हमारा COVID-19 टीकाकरण केंद्र। और यहाँ देखिए अंदर, तो भाई क्योंकि एसके मेमोरियल हॉल वैसे भी बहुत बड़ा है, इसकी प्रीमाइसेस भी बहुत बड़े हैं, लोग बहुत कम लग रहे थे और मेरा टीका मुझे पड़ गया और इसका मैं वीडियो नहीं ले पाई, आई एम सो सॉरी। क्योंकि मैं अकेले थी तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं टीका लेते हुए खुद की वीडियो ले पाऊँ। और यहाँ हमें टीका लेने के बाद अंदर आधे घंटे बैठने को बोला गया, आफ्टर टीका आपको 15-20 मिनट का वेट करने को बोला जाएगा, उसके बाद जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो यहाँ हम लोग एसके हॉल के अंदर बैठे हुए हैं और अब मेरे आधे घंटे पूरे हो चुके थे, तो मैं फिर बाहर आ रही थी और इसलिए सोचा मैं कि थोड़ा शूट कर लूँ। तो यहाँ पे देख सकते तो आपकी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, बट हाँ सोशल डिस्टेंसिंग वॉज देयर और थोड़ा सा सुनसान जैसा भी लग रहा था, उतने लोग नहीं थे, मतलब जिस भीड़ को मैंने एक्सपेक्ट किया था वो भीड़ वहाँ पे नहीं थी। हर कुछ बहुत ही सेफली हो गया एंड मेरे घर से एसके मेमोरियल हॉल इज़ ऑन वॉकिंग डिस्टेंस, तो मैं पैदल पैदल गई और पैदल पैदल ही आ गई। और अब मैं आपको ये बताऊँगी अगले दिन का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। हाय, ओके गाइस, टाइम टू अपडेट कि अब मुझे कैसा फील हो रहा है आफ्टर वैक्सीनेशन। कल मैंने वैक्सीनेशन लिया था एंड अब मॉर्निंग हो गई है, नेक्स्ट मॉर्निंग। सो द ओनली थिंग जो मुझे फील हो रही है, इट इज़ जिस हाथ पे मैंने वैक्सीन ली है उसमें इमेंस पेन है, बहुत पेन है, मतलब हैवीनेस फील हो रहा है, पेन हो रहा है। बट आई थिंक कि ये मेरे साथ बचपन से होता है, मैं जब जब मैंने किसी कोई भी वैक्सीनेशन लिया, कोई सुई लिया, तो मेरा ये हाथ स्वेल कर जाता है। बट हाँ, दिस टाइम थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा पेन है, बट आई थिंक इट विल बी ओके। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी कल मेरे साथ, मतलब अलग अलग सेंटर्स पे पर मेरे साथ ही वैक्सीन ली थी, तो उनकी जो फील कर रहे हैं वो ये, किसी को फीवर भी है कि एंड सम पीपल आर जस्ट कूल, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा हाथ में दर्द है। तो मैं भी मुझे भी कोई फीवर तो नहीं है राइट नाउ, बट हाँ मेरा हाथ काफ़ी दर्द है, मतलब इट्स रियली पेनफुल। आई थिंक कि आप लोगों को अब आइडिया मिल गया होगा कि कैसा होता है वैक्सीन, कैसे आपको ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब फीवर हो जा रहा है या बॉडी पेन है या हाथ में पेन है, इससे मत डरिए, बिकॉज ये सिर्फ एक दो दिन के लिए टेम्प्रेरी ठीक हो जाएगा। बट अगर आपने वैक्सीन नहीं ली तो इट मे इन्वाइट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गाइज, ओके। सो आई रियली होप कि आप लोग वैक्सीन लेंगे, प्लीज़ वैक्सीन लीजिए। अगर आपके घर में किसी ने नहीं लिया है तो उन्हें भी लेने को बोलो, ओके। इफ़ यू आर 18+, 45+, तो प्लीज़ लीजिए, क्योंकि सरकार इतनी मेहनत कर रही है, अब हमारा ये बनता है कि हमें बस वैक्सीन ले लेना है, फ्री की चीज़ है यार, ले लो, कौन से पैसे लग रहे हैं हमारे, ठीक है। मुझे बड़ा मज़ा आया वैक्सीन लेके, जो कहो बहुत खुशी हो रही है, दर्द वगैरह सब अपनी जगह, लेकिन खुशी की तो बात ही कुछ और है। अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो भी प्लीज़ घर से बाहर थोड़ा कम निकले, और अगर शॉपिंग वगैरह करने की बहुत ज़रूरत हो रही है तो नीचे तो मेरा लिंक दिया हुआ ही है, उस मेरा लिंक पे जाइए, क्लिक करिए और आपको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए आप सर्च बॉक्स में सर्च भी कर सकते हो, और उसमें कुछ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स भी एड ऑन है फॉर मेन एंड वुमेन बोथ ऑफ देम, तो आप चेकआउट भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं, एक बार चेकआउट कर लेना, ओके। एंड परचेज कर सकते हैं घर बैठे बैठे। सो गाइज बहुत ही आसान है आपके लिए, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर वैक्सीनेटेड हो गए हो तो भी घर में रहिए यार, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, ओके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू ऑल, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और वैक्सीनेशन जरूर लीजिए, ठीक है, बाय बाय।